अभिषेक की मॉम ने पूछे ईशा से ये कड़वे सवाल। ईशा को लगाई करण जौहर ने फटकार। कल सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। कर के अंदर फैमिली वीक चल रहा होता है जहां पर अभिषेक की मॉम की एंट्री होती है। अभिषेक अपनी मॉम को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हुए नजर आते हैं, इस घर के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वेल थेरेपी रूम में ईशा से अभिषेक की मॉम काफी कड़वे सवाल भी पूछती हुई नजर आती है कि कब ईशा के सामने अभिषेक को उनकी मॉम ने थप्पड़ मारे हैं जो हमेशा ईशा कहती रहती है। वेल ईशा बताती है कि अभिषेक ने उन्हें ये सारी चीजें बताई थी जब वो रिलेशनशिप में थे। वेल यहाँ पर अभिषेक की मॉम उन्हें एडवाइस देती है कि वो शो के अंदर के और अभी के मुद्दों के बारे में बातचीत क्यों नहीं करती, वो हमेशा बाहर की और पास्ट में जब वो रिलेशनशिप में थे अभिषेक और ईशा तब की ही बातें क्यों करती रहती हैं, उन्हें ये सारी बातें बंद कर देनी चाहिए वरना वहाँ से आंसर के तौर पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। वही वीकेंड के वार एपिसोड में करण जौहर भी ईशा को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं और ईशा ने जो बातें मुनव्वर के लिए कही हैं वो करण सभी कंटेस्टेंट्स के सामने बताते हैं। जी हाँ, करण जौहर बताते हैं कि ईशा ने मुनव्वर के लिए कहा है कि वो लड़कियों को यूज एंड थ्रो करते हैं। मुनव्वर के बारे में ईशा को ऐसा क्यों लगता है, ये सवाल भी ईशा से करण करते हुए नजर आते हैं। वेल ये भी कहते हैं कि आयशा और मुनव्वर के रिश्ते में आखिरकार ईशा को इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, उन्हें क्या करना वो क्या लगती है उन दोनों की। पर यहाँ पर करण कहते हैं कि ईशा इस तरीके की बातें तो कर भी नहीं सकती है क्योंकि उनके खुद के रिलेशन से यहाँ पर क्लियर नहीं रहे हैं किस तरीके से पहले वो अभिषेक के साथ थी फिर समर्थ जो उनके बॉयफ्रेंड थे वो शो में आए, तो ईशा किसी और के बारे में ऐसी बातें आखिरकार कैसे कह सकती है। वेल ईशा यहाँ पर करण को जवाब भी देती हुई नजर आती है जिस पर करण कहते हैं कि वो डायरेक्टर है, वो इनोसेंस की एक्टिंग और असल इनोसेंस में क्या डिफरेंस होता है वो जानते हैं। वेल आपका करण जौहर के द्वारा लगाई ईशा को इस फटकार पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।